मैं आपसे अभी बोल दूं कि परेशानी हो, परेशान नहीं होना, ये जानते सभी है। जब तक आप खुद जीवन में आध्यात्मिक बनोगे नहीं, भक्ति नहीं करो, भजन नहीं करोगे, भजन शब्द सुनने में लोगों को बड़ा हंसी आती है, भक्ति, अरे क्या भक्ति है, कोई उम्र है भक्ति की? पर जब इसी उम्र में भगवान की शरण में नहीं जाओगे तो ये परेशानियां तुम्हें दो मिनट में डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी हम टर्म्स बोल रहे हैं, उस ओर लेकर के जाएगी आप। लेकिन जिसके जीवन में आध्यात्मिकता, लाख कोशिश कर लो आप, कोई अच्छा संत हो, महापुरुष हो, उसको आप डिप्रेशन में लाके दिखा दीजिए, किसी भी टोने टोटके से लाके दिखा दीजिए, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि परिस्थितियां अच्छी बुरी सब उसके द्वारा दी गई है और मुझे उनसे लड़ना है और आगे बढ़ना है। हम सबको एक तो जीवन सच्चाई से जीना, मर्यादा से जीना है और भक्ति का सहारा लेके जीना है। तो ये हमारी डोज है, ये मिलेगी तो ना हम कभी हारेंगे, ना हम कभी निराश होंगे और ना हम कभी उस डिप्रेशन वाली स्थिति में जाएंगे। क्या सजेशन देंगे आज की लाइफ में किस तरह से रहने के लिए कि वो हैप्पीली इस लाइफ को सस्टेन कर पाएं और इतनी जल्दी हार ना माने जिंदगी में?